नमस्कार दोस्तों, वारी रिन्यूएबल्स 50 रुपए का शेयर कभी 50 रुपए था, कुछ ही महीनों में कहां तक पहुंचा, इसके बारे में बात करेंगे। वारी रिन्यूएबल्स क्या बनाता है, क्या सेवाएं देता है, उसकी आने वाले भविष्य में क्या संभावनाएं हैं उस कंपनी की, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन वारी एनर्जी का आईपीओ आया है, आज जब हम ये वीडियो आपके सामने बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, आज 21 अक्टूबर 2024 है, आज इसका वारी एनर्जी का एक नया आईपीओ आया है, 23 तारीख को क्लोज होगा, 24 को इसकी अलॉटमेंट होगी और 28 तारीख को लिस्टिंग है। 100% ग्रे प्रीमियम है, दुगने पहले ही दिन आपके इन्वेस्टमेंट के होना है। इसके पीछे क्या कारण है? वारी रिन्यूएबल कंपनी की पेरेंट कंपनी है और वारी रिन्यूएबल्स ने इन्वेस्टर्स के लाइफ में क्या चेंजेस किए हैं, ये आपको पता भी होगा और इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे दोस्तों। तो आइए। हाय रोहित। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस आई कैन इस यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सर। और स्टॉक्स विद रोहित, हमने सबसे पहले सर्वोटेक के ऊपर वीडियो बनाया था, आपको याद होगा। राइट। और आज मैं दोस्तों मैं पोर्टफोलियो चेक कर रहा था, मिड कैप 1200 पॉइंट गिरा है और ये खुश होने की बात है। क्यों? क्योंकि हमने आज से 10 दिन पहले आपसे कहा था, मैंने तो नहीं कहा था, रोहित ने कहा था, कैश इज ऑल्सो द किंग ऑफ मार्केट। अगर आपके पास कैश है, अगर आप कैश अरेंज कर सकते हैं, अगर आप कैश इन्वेस्टमेंट की ताकत रखते हैं, तो ये वीक दोस्तों आपका है। मिड कैप में बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स आपको हमने बताए हैं। आपके पास अगर कैश है तो आने वाले 2-3 दिनों में कहां उसको इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बारे में भी रोहित मैं चाहूंगा कि अगर कल मार्केट और गिरता है जी, तो उसके बाद और गिरता है तो क्या आप जिन लोगों के पास कैश है उसे आज आप अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, जहां 5% 10% 20-25% तक मिड कैप में ऐसे गोल्डन शेयर्स, गोल्डन स्टॉक्स, बिल्कुल जो अगर परचेस करें और मार्केट वापस से सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर आता है, करेक्ट, जो कि वो आएगा, करेक्ट, तब आने वाले 1 महीने के अंदर लोग अपना 20-25% पैसा जो कैश उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है निकाल सकें। Correct. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी छोटी छोटी रील्स आप जरूर बनाना जी, उसके लिए आप कैमरामैन या मेरा इंतजार मत करना। बिल्कुल। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे वारी एनर्जी की। जी। है क्या ये वारी एनर्जी, है क्या ये वारी रिन्यूएबल्स, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए प्लीज। वारी एनर्जी पेरेंट कंपनी है वारी रिन्यूएबल्स की। वारी एनर्जी टोटली इनटू मैन्युफैक्चरिंग है। ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाता है जो सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे घर के ऊपर जो पैनल्स लगे होते हैं सोलर पीवी मॉड्यूल्स, वो ये कंपनी बनाती है। ये कंपनी इंडिया में अभी तक के इसका लार्जेस्ट मार्केट शेयर है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, 44% का मार्केट शेयर है, और जो इसकी क्वालिटी ऑफ पीवी मॉड्यूल्स है वो भी बहुत टॉप नॉच पे। किसकी? वारी एनर्जी की कि या रिन्यूएबल्स? वारी एनर्जीज की। ये वो पैनल्स जो लगाते हैं वो बनाती है? यस। वारी रिन्यूएबल्स इज इनटू पावर जनरेशन, मतलब सोलर एनर्जी से जो पावर जनरेट होती है उसको जो बेचना का काम होता है वो वारी रिन्यूएबल्स करता है, और वारी एनर्जीज मैन्युफैक्चर करता है सोलर पीवी मॉड्यूल्स जो सोलर एनर्जी बनाने में काम आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये, मतलब इसको आंख बंद करके आपको वो तो आपका चाहिए। कहना सही है, लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जी जो आपके कारण या आपके
रोहित स्टॉक्स विद रोहित के कारण जिनका की इंटरेस्ट डेवलप हुआ है स्टॉक मार्केट में, जिन्हें कुछ नहीं मालूम कि 6 महीने पहले कहां थे स्टॉक्स में। वारी रिन्यूएबल्स का जो चमत्कार हुआ था, जो आपके साथ हुआ और कई लोगों के साथ हुआ, उसके बारे में पहले बताइए। ये वारी रिन्यूएबल्स 50 रुपए से लगभग आज 3000 रुपए पहुंच चुकी थी और अभी लगभग 1700 के आसपास चल रही है। तो 50 रुपए कौन से सन में, कब था 50 रुपए? 2021 में, आज से 3 साल पहले। 3 साल में जी, आज से दोस्तों 3 से 3.5 साल पहले 50 रुपए का वारी रिन्यूएबल्स का शेयर था। क्या कारण था इसका 3000 रुपए तक जाने का? इसका मेजरली सबसे बड़ा कारण इसका फाइनेंशियल्स के नंबर्स थे, इसके ऑर्डर बुक थी और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सोलर सेक्टर बन चुका है इंडिया का आफ्टर चाइना, मतलब चाइना सबसे बड़ा हब है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन जो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है लास्ट 2 ईयर्स में सोलर एनर्जी में, वो मतलब एक्सेप्शनल है और उसी वजह से वारी रिन्यूएबल्स का जो शेयर है उसका ऑर्डर बुक बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ा है और हमने देखा इसी वजह से कि शेयर बहुत रिटर्न्स दिए हमें। जो अभी आईपीओ आ रहा है, आ गया है जी जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि इस आईपीओ को, जैसा हम पहले भी आईपीओ के बारे में बात कर चुके हैं कि कई बार वो डेट्स को चुकाने के लिए, कई बार नए प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, क्या आप ये बता सकते हैं कि वारी एनर्जी का ये आईपीओ क्यों आया है? जी हाँ जी हाँ, वारी एनर्जी ने लास्ट ईयर से अपने कैपेसिटी में एक्सपांशन किया है, 6 गीगावाट से 12 गीगावाट तक पहुंच गए थे जून 2024 तक के, और अभी जो आईपीओ आ रहा है उसमें जो फ्रेश इशू जो कर रहे हैं, एक तो ऑफर फॉर सेल है, एक फ्रेश इशू है, और फ्रेश इशू यूज होगा इनका नया प्लांट बनाने के लिए ओडिशा में, जिससे और 6 गीगावाट की जो है कैपेसिटी। मतलब आपका ये कहना है कि आईपीओ आने के पहले इन्होंने अपनी कैपेसिटी दुगनी कर ली है जी, और आईपीओ लाने के बाद ये अपनी कैपेसिटी को 3 गुना कर लेंगे। 3 गुना कर लेंगे बिल्कुल। ओके, और इंडिया का टारगेट है 2030 तक के 500 गीगावाट तक के पहुंचने का, जिसमें ये कंपनी का बहुत बड़ा शेयर रहेगा और हमको दिखता है, फाइनेंशियल्स से दिखता है कि जो सेल्स में नंबर्स बढ़े हैं और जो प्रॉफिट के नंबर्स बढ़े हैं वैसे ही आगे होते जाएंगे। क्या आपने ये स्टडी की है कि जो ये सोलर पैनल बनाते हैं या सोलर एनर्जी जनरेट करके ये सोलर पावर सेल करते हैं, इनके कंपैरिजन में 44% आपने बताया कि इनका मार्केट शेयर है, इनके कंपैरिजन में कोई कंपनी कहाँ बैठती है, कोई है ऐसी दूसरी कंपनी? अदानी है एक्चुअली, और अदानी भी ये जनरेशन में भी है और पीवी मॉड्यूल्स बनाने में भी है। अदानी की भी क्वालिटी इज वेरी गुड, बट एज कम्पेयर टू अदानी, मतलब जो मैंने रीडिंग किया हुआ है और जो मैंने लोगों से समझा है और जो मैंने लोगों से समझा जो इस सेक्टर में है, वो कहते हैं कि वारी की जो क्वालिटी है मॉड्यूल्स की वो टॉप नॉच है। और मार्केट शेयर इसका market जैसे जो 44% है, 44% अडानी का कितना परसेंट है, ये आइडिया है आपको? जी नहीं। अच्छा, anyway, तो लेकिन अडानी के अलावा और भी कोई कंपनी है वो भी आइडिया नहीं आपको? नहीं। अडानी एक बड़ा मेजर स्टॉक होल्डर्स है, मतलब ये शेयर होल्डर है, और दूसरा वारी है। वारी और अडानी में वारी को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। राइट। और जिस हिसाब से दोस्तों सोलर एनर्जी के ऊपर भारत सरकार काम कर रही है, इसके अलावा जो पिछला बजट आया है उसमें सोलर एनर्जी के ऊपर जितना बजट अलॉटमेंट हुआ है भारत सरकार के द्वारा, उसमें आने वाले समय में इन कंपनीज को पीछे तो नहीं आना है, इतना आप मान के चलिए, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में अभी भारत सरकार की प्रायोरिटी है एनर्जी सेक्टर के ऊपर। इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन आप देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करना चाहूँगा। जो इसका रेवेन्यू है वो 3 साल में लगभग 3 गुना हो चुका है, 3 गुना से भी ज़्यादा, 2854 करोड़ का रेवेन्यू था 2022 में और जो 11400 करोड़ पहुंच गया 2024 में, और प्रॉफिट्स जो हैं इसके वो 80 करोड़ पे स्टैंड करते थे 2022 में, जो कि अब 1274 करोड़ पे पहुंच गए। नहीं, फिर से बताओ, 80 करोड़ से
1274 का। अब मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर एक बार फिर से बात करूंगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी दुगनी हुई, करेक्ट, ठीक। सेल्स कितने गुना बढ़ा? सेल्स लगभग 4 गुना आप मान लीजिए। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी हुई दुगनी, करेक्ट, और इसकी रेवेन्यू बढ़ी 4 गुना, करेक्ट। प्रॉफिट कितने गुना बढ़ा? प्रॉफिट लगभग निकाल लो आप उसमें 15 टाइम्स। दोस्तों कैपेसिटी मतलब इसकी क्षमता दुगनी हुई, बिक्री 4 गुना हुई और मुनाफा 15 गुना बढ़ गया। मुनाफा 15 गुना बढ़ने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? बेसिक रीजन है इसके पीछे डिमांड का, जो कि एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी, और एक्सपोर्ट में भी डिमांड बढ़ी है सोलर इंडस्ट्री में। दूसरा, आपको जो घर की घर हर घर में सोलर पावर जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे भी मार्जिन्स काफी बढ़े हैं कंपनी के, और मार्जिन्स बढ़ने की वजह से नेट प्रॉफिट बहुत बढ़ा। मैं यहाँ आपकी बातों से ही मुझे कई चीजें, मेरे प्रश्न आप जानते ही हैं, दर्शक भी जानते हैं कि मेरे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आपके आपकी बातों से ही निकलते हैं जी। आप एक वर्ड बहुत यूज करते हो, मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, और जिसके भी मार्जिन श्रिंक होते हैं वो उनको आप बड़ी अच्छी दृष्टि से उनको देखते नहीं कंपनी। क्या इसके मार्जिन मतलब बढ़े हैं, एक्सपांड हुए हैं और इसी वजह से नेट प्रॉफिट हमें दिखाई, मतलब जो 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 प्रॉफिट पहले वो 10 रुपए पे 2 रुपए ले रहे थे वो 10 रुपए पे 3 रुपए या 4 रुपए हो गए। राइट राइट राइट। तो उसमें लोग खुशी खुशी पेमेंट कर रहे हैं, ले रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल्स को चेक करने का, फाइनेंशियल्स को देखने का। हम जो छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, हम जो संडे लाइव आपके सामने लाते हैं, हम जिन पॉइंट्स पर आपस में डिस्कशन करते हैं, मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल करके जो क्वेश्चन करता हूं, उसके पीछे आप हमारे इंटेंशन को समझिए। आप यहां आज इस वीडियो से आपको ये चीज सीखने को मिलना चाहिए कि मार्जिन श्रिंक होने के बाद में कंपनी के शेयर्स स्टॉक्स नीचे क्यों आते हैं, कंपनी से क्यों हमको बाहर आना चाहिए, और मार्जिन एक्सपांड होने का क्या मतलब है। अगर कोई अच्छी चीज मार्केट में आई है तो उसके मुनाफे शुरू में कम रहते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी आने के पहले, सोलर एनर्जी के ऊपर सब्सिडीज के पहले इसके मार्जिन बहुत कम थे। आज अगर आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है या कंपनी को गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है, तो उसने अगर अपने मुनाफे को बड़ा किया है, मान लीजिए कि 10 रुपए पर पहले वो 2 रुपए कमाते थे और अब अगर वो 10 रुपए पर 2.5 रुपए या 3 रुपए या 3.5 रुपए कमा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा कहीं ना कहीं स्टॉक की शेयर की प्राइस को होगा, कहीं ना कहीं उसका फायदा शेयर होल्डर को होगा जो कि उस कंपनी के शेयर्स अपने पास रखता है। तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट है कि इसके जो मार्जिन्स हैं वो श्रिंक होने के बजाय एक्सपांड हुए हैं, करेक्ट। एनी अदर रीजन, बोरोइंग्स और एटसेट्रा, एनीथिंग यू हैव सीन? रिस्क एक मैं देखता हूँ इसके फंडामेंटल्स में, कि जो इसका जो मेजर रेवेन्यू आता है, लगभग 57% का रेवेन्यू इसके टॉप 10 कस्टमर्स से आता है। अच्छा जी हाँ, तो इसके कस्टमर्स कौन है ये हमको आइडिया नहीं है अभी, लेकिन टॉप 10 कस्टमर से 57% रेवेन्यू आना एक रिस्क फैक्टर है, कि अगर उसमें से एक भी कम हो जाता है तो उसका रेवेन्यू को अफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, ये एक इसका रिस्क फैक्टर है। तो दोस्तों 28 तारीख को ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी। आने वाले 1-2 महीने में जैसे ही स्टॉक मार्केट स्टेबल होता है, वारी एनर्जी और वारी रिन्यूएबल्स के स्टॉक्स में अगर आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर कुछ अच्छा मूवमेंट होता है, तो हम इसके बारे में और रिसर्च करके आपके सामने आएंगे। लेकिन आपने अगर इसके वारी एनर्जी के आईपीओ में पैसा लगाया है तो आपको बहुत बहुत उसके लिए शुभकामनाएं, और अगर आपका अलॉटमेंट होता है तो आपको बधाई। थैंक यू।